हाँ जी दी। गुस्से में मैं हूँ और रूठा आप गए हो क्या? घर नहीं आना? नहीं नहीं मैं रूठा हुआ नहीं हूँ अंजलि, सोडा शॉप पे हूँ। हाँ तो वही रहना है, घर नहीं आओगे? बस ये जेठालाल का कुछ काम है, जैसे ही काम खत्म होता है मैं घर आ जाता हूँ। जेठा भाई का काम इस वक्त मतलब? अरे जेठालाल की कुछ फाइल्स आने वाली है और टैक्स रिलेटेड मैटर है। सारी फाइल्स इंग्लिश में है तो मैं थोड़ा जेठालाल को समझा दूंगा क्या है, फिर मैं आ जाता हूँ। पर सुनिए जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आता हूँ। एन वन सेकंड अंजलि, रूठा हुआ नहीं हुआ। सो रहे हो? सोच रहा हूँ। अब्दुल बंद कर दुकान भाई। हाँ चलो चलो चलो। बेचारे को नींद आ रही है, गार्डन में बैठते हैं। नहीं नहीं जेठा भाई बैठे, मैं जाग रहा हूँ। दया। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा बापूजी सो गए हैं। सो गए बापूजी? अच्छा तो देख धीरे से दरवाजा खोलना, मैं आता हूँ। बिल्कुल आवाज मत करना। हाँ सॉरी अब्दुल। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी बता सर। अरे यार दुकान बंद करने में मदद करो। नहीं नहीं मैं कर दूंगा, सॉरी यार। चलो गुड नाइट अब्दुल। क्या हुआ? टप्पू के पापा क्या हुआ बताइए ना। देखिए टेंशन का मरम, मेरे दिल की घबराहट बढ़ रही है, प्लीज बताइए क्या हुआ। आपको मेरी कसम सच सच बताइए क्या हुआ है। दया आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? दादाजी का फोटो जो मैंने पर्स में रखा था, वो पर्स किसी पॉकेट मार ने मार ली। इतनी बड़ी चांदी की फ्रेम वाला फोटो इतना छोटा पर्स में आया कैसे? सुबह यहाँ से दुकान जाते वक्त पॉकेट मार ने पर्स मार ली। क्या? पॉकेट मार ने आपका पर्स मार लिया? ओ। जिसमें दादाजी का फोटो था वो पर्स मार लिया? हाँ दया सुबह से मैं परेशान हूँ। लेकिन बापूजी दादाजी के फोटो की राह देख रहे हैं। पता है उनका सामना ना करना पड़े इसलिए तो मैं लेट आया। किस मुँह से बापूजी से कहूँ कि आपके इस बब्बू चक से दादाजी का फोटो खो गया है। मैं बापूजी के सामने झूठ नहीं बोल सकता, बोलने जाऊँ तो भी पकड़ा जाऊँ। अभी अभी पुलिस में फरियाद की है और सुंदर को मैंने भचाओ भेजा कि वहां जाके गांव में किसी के भी घर से उनके शादी ब्याह के एल्बम में से कहीं से भी दादाजी का कोई भी फोटो मिल जाए तो लेकर आ भाई प्लीज। क्या सुंदर बचा गया है? उसने मुझे बताया तक नहीं। उसे मैंने मना किया था तुमसे बताने के लिए और अभी तुम्हें भी मना कर रहा हूँ, मेहरबानी करके ये सब बापूजी को मत बताना प्लीज। हाँ हाँ लेकिन सुबह उठ के बापूजी दादाजी का फोटो तो मांगेंगे ही ना तभी। बापूजी कितने बजे उठते? 6 बजे। ठीक है तो मैं 5 बजे घर से निकल जाऊंगा। ठीक है मैं भी आपके साथ ही आऊंगी। तो क्यों? बापूजी मुझसे पूछेंगे तो मैं भी झूठ नहीं बोल पाऊंगी ना, तो आपके साथ ही आऊंगी। अरे लेकिन तू पूरा दिन घर से बाहर रहेगी तो बापूजी और सवाल करेंगे। पर वर कुछ नहीं दिया, तुझे घर पे ही रहना पड़ेगा प्लीज। हे भगवान ये कैसी मुसीबत आनी पड़ी है, आपने मुझे बताया ही कि अब मुझे घर में भी बापूजी से छुप छुप कर रहना पड़ेगा। दया प्लीज कुछ भी हो जाए बापूजी को इस बात का पता मत चलने देना प्लीज। नहीं बताऊंगी, मुझे पता है बापूजी को जब ये बात का पता चलेगा उनके दिल पर क्या बीतेगी और वो मैं नहीं देख सकती। आप चिंता मत कीजिए मैं नहीं बताऊंगी। थैंक यू दया, थैंक यू। सो जाते हैं। नींद आएगी। को
कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो दया चलता हूँ। सुबह 5 बजे कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाए। अब शहर छोड़कर जा रहे हो? दुकान जा रहा हूँ दया। इतनी सुबह सुबह टीवी खरीदने कौन आएगा? सॉरी सुनिए, बापूजी मुझे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँ? कह देना कुछ जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गए। लेकिन ये तो झूठ होगा ना? दया, ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो दादाजी के फोटो के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी दया, याद है एक बार तेरी माँ ने कहा था कि अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हाँ? बात तो माँ है, माँ की बात ही अलग है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। ऑल बेस्ट। तुझे भी। माता जी, मेरी रक्षा करना, बापू जी से सच छुपाना है। माता जी, मम्मी, टप्पू बेटा तो इतनी जल्दी उठ गया है। मम्मी पानी पीना था। हाँ देती हूँ। देखो मम्मी, पापा इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? दुकान। क्यों बताओ ना मम्मी, कल रात को भी पापा देर से आए थे और अभी जल्दी चले गए। कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा बताती हूँ, लेकिन तुम अपने दादाजी को मत बताना। ओके। सॉरी, आप सबको सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरा कितना बुरा वक्त चल रहा है, वरना मैं कभी इतना जल्दी उठता हूँ। वो क्या है कि बापूजी ने मुझे दादाजी की फोटो, अरे ये सब आपको क्या बता रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं। बस प्रभु, कुछ भी करके आज के हाथ दादाजी की फोटो मिल जाए ऐसा कुछ करना, क्योंकि कल तो दादाजी की 100वीं जन्मतिथि है। ये सब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बापूजी के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फोटो अगर नहीं मिली तो बापूजी बहुत दुखी हो जाएंगे और मैं बापूजी को दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ रोज के आपके पास करोड़ों केस आते हैं, लेकिन मेरा केस स्पेशल केस समझ के आज के आज उसका फैसला मेरी तरफ है, मैं सुना ना प्लीज। अच्छा तो ये बात है। हाँ बेटा, इसी वजह से तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जाकर सो जा, तुम्हारे पापा अपने दादा की फोटो कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। मम्मी, पापा के दादाजी के फोटो के लिए टप्पू भी कुछ करेगा। सुंदर का अभी तक कुछ फोन क्यों नहीं आया? किधर पहुंचा वो? अब तक तो बचाव पहुंच गया होना चाहिए। कवरेज एरिया के बाहर किधर है भाई ये सुंदर? ये भगवान, ये सुंदर आज तक कभी काम में नहीं आया, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। वैसा सुंदर इस बार कुछ काम में आ जाए, ऐसा चमत्कार करना प्रभु।
एक बार और ट्राई करता हूँ। सेठ जी। हाँ, कौन है? नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। तो काका, ये क्या हर बार आप बाल मंदिर के बच्चे की तरह पूरा नाम बोलते हो? सॉरी सेठ जी, बाल मंदिर से आदत पड़ गई। सेठ जी, आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो बापू जी उठे उसके पहले मैं घर से निकल आया। सेठ जी, वो फोटो का क्या हुआ? सुंदर भाई बचाओ पहुँच गए? अरे भाई, कब से फोन लगा रहा हूँ सुंदर को, लेकिन उसका फोन एरिया कवरेज के बारे बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ पहुँचा वो। सेठ जी, मैं लगाता हूँ। क्या है कि मैं बहुत लक्की आदमी हूँ दूसरों के लिए, शायद लग जाए। हाँ, ट्राई करो। सॉरी, अभी नहीं। क्यों? पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ, बाद में। ठीक है। सुंदर पहुंचा भी होगा बचाओ कि नहीं, कहाँ होगा वो? तो एकदम बढ़िया थी। बस अब जयंती दादा की एक बढ़िया फोटो दिलवा दो। मेरा फोटो चाहिए? ले लो ना। अरे, मुझे जीजा जी के जयंती काका की फोटो चाहिए। मैंने जेठा के साथ बात की थी कि भाई वो फोटो मेरे पास नहीं है, गांव में किसी के पास होगी मैं दिलवा दूंगा। अरे पर मेरा फोटो ले लो ना। जेठा का जयंती दादा थोड़ा मेरे जैसा दिखता था। सही में हो, ये जयंती जोखम ही है। हाँ, मैं दादाजी का वो एक ही फोटो था। बोलो, मुझे तो वो चोर पर इतना गुस्सा आता है ना, उसको मैं श्राप देती हूँ। वो जब भी चोरी करने के लिए निकले ना, तो उसके चप्पल टूट जाए। मत देखो, तुम टेंशन मत लो। वैसे टप्पू के पापा और सुंदर मेरा फोटो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन माँ, तुम कोई ऐसा रास्ता बताओ ना कि वो फोटो जल्दी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। मैं साड़ी के पल्लू में गांठ बांध देती हूँ। अच्छा, मैं वो फोन रखती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ खो गया है? नहीं तो। अरे बहू, मुझे सब पता है, तेरी सास भी ऐसे ही किया करती थी। जब भी कोई चीज खो जाती थी तो ऐसे ही साड़ी के पल्लू में ऐसे गांठ बांध देती थी। बापूजी, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय बाद में। पहले मुझे ये बता, जेठा फ्रेम लाया? नहीं, वो तो आज लाने वाले है। क्यों? वो तो कल ही लाने वाला था। हाँ, मैंने भी वही पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज लाने वाले हैं। अच्छा, जेठा, ए जेठा। बापूजी, वो नहीं है, आज सुबह ही जल्दी दुकान जाने के लिए निकल गया। आज इतनी जल्दी चला गया? हाँ। बापूजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं, चाय बाद में। एक काम कर, वो जरा गांव में नाता को फोन लगा के दे। वो बहुत दिनों से बात नहीं हुई मेरी, और वो सुबह सुबह ही मिलता है, बाद में खेत चला जाता है। बापूजी ने अगर नाथा काका से फोन पे बात कर ली तो? नहीं नहीं, लग रहा है। हेलो 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 हेलो, सिंगल नहीं आ रहे हैं? सिंगल? हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, नाथा काका।
अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। बाबूजी वो नाथा काका तो बाहर गए हैं, एक हफ्ते के बाद आएंगे। ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए आप चाय बना दूं। क्या बात है बहू, आज चाय बनाने की बहुत जल्दी है तुझे। यहाँ रहूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही है, चाय बनानी है तो बना दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो क्या है बापूजी, फिर मुझे अंजलि भाभी के घर पे जाना है, हम सब लेडीज मिलके बेस्ट में से बेस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है। सेठ जी, हाँ। मैंने सुंदर भाई को फोन लगाया, हाँ। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। भगवान ये सुंदर भी ना। एक काम करिए सेठ जी, नाथा काका को फोन कीजिए। हाँ नटू काका, ये मुझे क्यों नहीं सोचा। सेठ जी मेरा दिमाग पेंसिल की नोक की तरह धारदार है, और ऐसी बातें धारदार दिमाग में ही आ सकती हैं। जीजाजी का फोन। हेलो। हेलो नाथा काका, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जेठा, कैसा है बेटा, पुरुक रहे तो? मैं मजे में हूँ बापूजी, टप्पू दया पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारा पूरा एरिया सब मजे में। अच्छा मैं ये पूछ रहा था काका, वो मेरा साला सुंदर उधर आया? हाँ सुंदर है ना, यहीं बैठा है मेरे पास। सुंदर उधर पहुंच गए। अच्छा काका जरा उसको फोन देंगे प्लीज। हाँ देता हूँ, ले। हाँ बोलिए जीजा जी। हेलो सुंदर है भाई, कहाँ है तू, मैं कब से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा फोन ही बंद आ रहा है। जीजा जी यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। अरे भाई तो बचाओ, पहुँच के फोन नहीं कर सकते, पहुँच गया क्या जीजा जी, मैं पहुँच गया बचाओ। जीजा जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, आप एक काम करो जल्दी से पहले मेरा रिचार्ज करवा दो। ठीक है भाई मैं वो रिचार्ज करवा दूंगा, पहले बता फोटो का कुछ पता लगा? मैं नाथा काका से वही बात कर रहा था। हाँ। यहाँ पे एक जयंती लाल है। हाँ। उनकी फेस अपने जयंती दादा से एकदम मिलती जुलती है, आप कहो तो उनकी फोटो पढ़ के आपको फेंक दूं। तू क्या पागल हो गया तू? अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा था। भाई तू ऐसा मजाक मत कर प्लीज। ठीक है जीजा जी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको फोन कर देता हूँ। लेकिन सुन गलती से घर पे फोन मत कर देना, तू मुझे पल पल की खबर देता रहे। जरूर, पर मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मेरा फोन रिचार्ज कराओगे। अरे भाई अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। ओके बाय। नटू काका सुंदर के फोन में जरा रिचार्ज करवाओ, 50 रुपए का। सिर्फ 50 रुपए का? अरे भाई अभी एसटीडी कितना 50 पैसा है ना मिनट का, तो 50 रुपए मतलब 100 मिनट हुआ। आज के एक दिन के लिए 100 मिनट तो बहुत हो गई, और अगर कम पड़ा तो और 50 का रिचार्ज करवा देंगे। ठीक है। अरे हाँ सुंदर, चुनिया के पास जरूर जयंती काका का फोटो होगा, उसके बेटे की शादी में गए थे ना तब फोटो खींची थी, तो शादी के एल्बम में से फोटो मिल जाएगी बिला। क्या बात कर रहे हो, चलो उनके घर चलते हैं। लगता है जीजा जी ने रिचार्ज करवा दिया। एक मिनट। हाँ सुंदर बोल। जीजा जी आपने मेरा फोन रिचार्ज नहीं करवाया? अरे करवाया ना रिचार्ज भाई, तेरा फोन चालू नहीं हुआ। अरे भाई तू अपने ही फोन से बात कर रहा है ना? हाँ जीजा जी। तो फिर क्यों बोल रहा है रिचार्ज नहीं किया? अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। भाई सुंदर तू अभी मजाक मत कर, क्या है मैं हंस हंस के इधर मर रहा हूँ। बोल बोल फोटो का क्या हुआ? अरे माय डियर जीजा जी एक बहुत अच्छी खबर मिली है। गांव में एक चुनी दादा है। हाँ हाँ। और चुनी दादा के लड़के की शादी में अपने जयंती दादा गए थे। अच्छा। तो उनके फोटो एल्बम में से अपने जयंती दादा का फोटो जरूर मिल जाएगा। हाँ तो फटाफट जा तू चुनी दादा के घर पे, और जैसे ही फोटो का कुछ पता चले मुझे फोन कर तू। हाँ जरूर करता हूँ मैं। ओके थैंक यू। हाँ ओके। चुनी दादा चलो चुनी दादा के पास चलते है। हेलो हेलो वेला, वो अभी मंदिर में होगा, वहीं से पकड़ के उसके घर जाते हैं। चलो 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 हम अभी चुनिया के घर जाके आते हैं। हो वेला वेला
चुनिया ये सुंदर है लगता नहीं। ये चंपक के बेटे जेठालाल का साला सुंदर है। पहला गो। ठीक है सुखी रहो ना सुखे दी रहवा दो। इसे जयंती दादा का फोटो चाहिए। वो तेरे पास शादी का एल्बम है उसमें फोटा होगा? नहीं मैंने चंपक के परिवार का फोटो फाड़ कर फेंक दिया है। वो चंपक अपने आप को बड़ा गांधी जी का अवतार समझता है। और चुनिका का हुआ क्या है? मेरे खेत में आम का पेड़ है उसकी छांव मंगल के खेत में गिरती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं वो तो पेड़ की गलती है। हाँ तो वो बात चंपक को समझनी चाहिए ना। चंपक पंचायत में था तो उसने फैसला करवाया आधे आम वो मंगल को देने का। तब से चंपक के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। फोटो वोटो कुछ नहीं मिलेगा। अरे चुनी वो चंपक का न्याय है। अपने से हुआ नुकसान तो भरपाई करना पड़ता है। अरे अब क्या? कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं क्या? नाथा काका दूसरी जगह ले चलो फोटो लेने। हाँ चल ले चलता हूँ तू चिंता मत कर। दया भाभी इतना टेंशन मत लीजिए। देखिए मुझे पूरा विश्वास है दादाजी का फोटो मिल जाएगा। हाँ इसलिए भाभी सुंदर वीरा बचाओ गया है बोले वहाँ से भी कोई समाचार नहीं आए हैं। दया भाभी वहाँ से भी समाचार आ जाएंगे। आप जेठा भाई को पहले फोन कीजिए ना। हाँ आओ। सबके घर से फोन। हेलो टप्पू के पापा। दया तू वहाँ क्या कर रही है? मैं बापूजी का झूठ बोलकर सामने नहीं कर सकती इसलिए मैं अंजली बाबी के घर पे आ गई। ठीक है। फोटो मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। ओ सुंदर पहुँच गया बचा वो ढूंढ रहे। अच्छा दया बापूजी ने फोटो के बारे में कुछ पूछा? हाँ पहले फोटो के बारे में ही पूछा फिर नाथा काका को फोन करने के लिए कहा। अरे बाप रे फिर मैंने कहा कि नाथा काका तो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। थैंक यू दया और सॉरी मेरी वजह से तुझे बापूजी के सामने झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं आप क्यों सॉरी आपने जानबूझकर थोड़े ना फोटो घुमाया है। हाँ वो भी है। अच्छा चल दया फोटो के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो मैं तुझे फोन करता हूँ। ये सुंदर का क्या हुआ? ये लो जीजा जी का फोन आ भी गया। उनको एक मिनट चैन नहीं पड़ता है। हाँ बोलो जीजा जी। हाँ हेलो सुंदर क्या हुआ चुनी दादा के उधर से फोटो मिली कि नहीं? कैसे मिलेगा उन्होंने तो सारे फोटो फाड़कर फेंक दिए। क्यों? अरे क्यों क्या चुनी दादा और आपके बापूजी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और फिर झगड़ा भी हुआ था तो चुनी दादा ने गुस्से में आकर सारे फोटो फाड़ दिए। कैसी अनबन क्या झगड़ा? समझ गए? अरे बाप रे तो अभी जीजा जी पर एक अच्छी खबर मिली है। नाथा काका बता रहे हैं कि मनोहर काका के पास फोटो मिल सकती है। अच्छा पर उन्होंने गांव छोड़ दिया है और गांव के बाहर कहीं घर बनाकर रह रहे हैं तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। अगर आपके बाबूजी का उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ होगा तो शायद फोटो मिलेगा। अरे भाई शुभ शुभ बोल झगड़ा नहीं हुआ होगा। हाँ तू जा 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 मनोहर काका के पास जा और जल्दी से खुश खबर दे मुझे। ओके हाँ वही करता हूँ। चलो ठीक है रखता हूँ। चलो जाते हैं चलो। भगवान करे मनोहर काका के घर से फोटो मिल जाए। सेठ जी
मेरी सिक्स सेंस कहती है कि फोटो जरूर मिल जाएगी। आपकी कौन कहती है? सिक्स सेंस, छठी इंद्री। आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर मेरा काम हो गया तो आपका मुंह में घी शक्कर नटू काका। हाँ सुंदर, बोल बोल। हेलो जीजा जी, फोटो मिली? फोटो नहीं, खबर मिली है। अरे भाई, तू उधर खबर ढूंढने गया कि फोटो ढूंढने गया है? फिलहाल तो खबर मिली है। क्या क्या खबर, क्या मिली है? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बोलो, पहले आप कौन सी सुनना पसंद करोगे? भाई पहले बुरी वाली सुना और बात खत्म कर जल्दी फटाफट, बाद में इत्मीनान से मैं अच्छी वाली खबर सुनूंगा। अच्छा तो सुनो, बुरी खबर ये है कि मनर काका के घर पे ताला है। ओहो, और अच्छी वाली? मनर काका का घर मिल गया है। हेलो 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 हेलो। ओ हाँ, लगता है फोन काट दिया। अरे चालू है फोन, चालू है भाई। हाँ तो बोलिए ना, मतलब बोलो, अब मैं क्या करूँ? अभी आसपास कोई दिख रहा है? ओ बाजू, हाँ एक भैंस है। कोई इंसान दिख रहा है तो उसको पूछ कि मनोहर काका कहाँ गए, कुछ पता लगा? कोई इंसान नहीं दिख रहा है नाथा काका के सिवा। हाँ तो घर का दरवाजा तोड़ दे, घुस जा अंदर। अरे क्या बात कर रहे हो जीजा जी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? और जब आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा तो कौन क्या कहेगा भाई? देखो जीजा जी, ऐसे गैर कानूनी धंधे मैं नहीं करता। अच्छा तो अभी क्या करेगा भाई? तो मनोहर काका का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना, कहाँ गए है वो? अरे जाएंगे कहाँ, शाम को लौट कर घर तो आएंगे ना, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही कुछ पता चले तो तुरंत मुझे फोन करना प्लीज। हाँ। अरे सुंदर, शाम तक यहाँ बैठकर क्या करेगा? मैं तुझे मस्त कच्ची भोजन खिलाता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेना है? है? वो भी ठीक है, अब शाम तक तो फुर्सत ही है। चलो चलो बेटा। दादाजी फुर्सत में लगते, चलो दादाजी से चालाकी से पूछता हूँ कि उनके पिताजी कैसे दिखते थे। दादाजी। अरे डबड़ा आ जा बेटा। दादाजी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मैं किसके जैसा दिखता हूँ? तू तू बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है। तो पापा आपके जैसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि तेरा पापा तेरी दादी पे गया है। तो आप किसके जैसे दिखते हो? टपूड़ा, तू क्या मेरी परीक्षा लेने आया है? नहीं दादाजी, दादाजी प्लीज बताओ ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज दादाजी बताओ ना दादाजी। टपूड़ा, मैं बिल्कुल अपने बापूजी जैसा दिखता हूँ। अच्छा, मतलब आप में और आपके बापूजी में कोई फर्क नहीं, एकदम सेम टू सेम? नहीं टपूड़ा, है ना, फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे कि? जैसे कि बापूजी ऐसे मूंछ रखते थे, मूंछ, और पता है ए भगवान बचाओ, जब भी दादाजी की फोटो नहीं मिली तो बापूजी मेरी बैंड बजा देंगे। ऐसे एक उम्मीद है, सोढ़ी के आइडिया से अगर पॉकेट मार मिल गया तो पर्स भी मिल जाएगा। हेलो। हाँ भाई सोढ़ी, हाँ मिल रहे हैं ना हम लोग आज? ओ क्यों बेटा, पर वो कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है? अरे भाई कल तुमने ही आइडिया दिया था ना, और पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हम सब एक साथ में मिलेंगे। ओए जेठा ब्रा, सब याद है, और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ यार। और अभी 11 बजे मिलते हैं, मैं अपनी सासी वीर जोशीली गोकुलधाम रेजिमेंट को लेके पहुँचा। और ठीक है तो मैं भी दुकान से निकल के वहाँ पहुँचता हूँ। ओके जी, आइए आइए। यही वो जगह है जहाँ से मेरा पर्स गया। जेठालाल,
अगर आज तुम्हारे नसीब ने साथ दिया ना तो हम उस पॉकेट मार को जरूर पकड़ लेंगे। वैसे मेरा नसीब सांप सीढ़ी जैसा है, देखते आज मेरे नसीब में सांप है या सीढ़ी। लेकिन शेर का शिकार करने के लिए अभी हमें बकरे की जरूरत है। बकरे का शिकार? ओ मेहता साहब, हम यहाँ पे बकरे का शिकार करने आए? सूढ़ी बकरे का शिकार नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हम में से कोई दो लोग उसे ललचाएंगे ताकि वो पर्स मार ले। तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना मेहता साहब, और ये शेर और बकरे की भाषा मैनू नहीं समझ आती। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बकरा तो मैं हो जाता हूँ, दूसरा मैं हूँ ना। क्या बकरा बोलो तो मैं करने लगा, जेब में पर्स लाया हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज के मौके के लिए खास याद करके मैं पर्स लेकर आया हूँ। चलो जी, अपने तो दोनों बकरे हो गए फिक्स। तो अब हम दो बकरे, मेरे कहने का मतलब मैं और पोपटलाल, हम दोनों यहाँ रुकेंगे और हम इस तरह से बिहेव करेंगे कि वो पॉकेट मार लालच में आया और हमारा पर्स मारने दिया। आप सब लोग दूर छुप जाना, जैसे वो आए आके उसे दबोच लेना। अरे एकदम मारा का डाउट है, ये आइडिया वर्क करेगा? ए पनौती, क्यों लगा रहे हो अभी से? चलो 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 कोने में कहीं दूर छुप जाओ। ये चोर कितने बजे आएगा? सॉरी, ये चोर क्या चूहा है जो रोटी देकर पिंजरे में आएगा? क्या सॉरी? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, उधर ध्यान दो। क्या रहा भाई साहब, तुम अपना काम करो। चोर 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 इसकी तो चोर 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 अरे रोक चोर। क्या बकवास कर रहा हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। इसने मेरा पॉकेट मारा? नहीं नहीं, मेरा पॉकेट मारा वो ये नहीं है। क्या ये नहीं है? उसी गैंग का दूसरा चोर होगा। अरे चेक करो, ढंग से चेक करो, चेक करो, चेक करो इसकी, चेक करो, चेक करो, अरे क्या हुआ सर? इस आदमी ने हमारा दर्द का पैकेट मार दिया। अरे जमाना बड़ा खराब है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। देखो मेरे इसके पास तो और कोई पर्स नहीं है। ओए सच सच बता, तूने पर्स का छुपा के रखा है? वरना तेरी ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा कि सेकंड हैंड थर्ड हैंड गड्डी क्या फोर्थ हैंड गड्डी से भी बदतर लगेगा। अरे सूढ़ी भाई, हमने तलाशी ले ली उसकी, इसके पास पर्स नहीं है, जाने दो उसे भाई। अरे जाओ भाई, आप लोग जाओ। हाँ सॉरी सॉरी, गलतफहमी हो गई थी। चलो जाओ जाओ भाई, सब लोग जाओ 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 जाओ। सबको सबको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है और तलाशी ली ना हमने। अरे मैं नहीं, तुम लोग किसी को भी राह में रोक करके उसको इल्जाम लगा दोगे? एक मिनट एक मिनट, मिल गया पर्स। सॉरी सॉरी भाई साहब, गलती हो गई मुझसे। वो क्या, मैं हमेशा पर्स इस जेब में रखता हूँ, लेकिन आज मैंने इस जेब में रखा था, तो सॉरी। आपने एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाया ना, सबकी पुलिस कंप्लेन करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी सॉरी भाई साहब। भाई अभी सॉरी बोल रहे ना, गलती हो गई। अरे भाई साहब जाने दीजिए ना, गलत फहमी हो गई थी इसे, हम इसकी ओर से माफी मांगते हैं सारे लोग। प्लीज सॉरी, आइंदा ध्यान रखना। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। इनका भी बाल दाढ़ी कटवा का घूमना चाहिए ना, भूलिए ये ऐसा है कि किसी को भी गलत फहमी हो जाए। पप्पू तू भी कमाल करता है यार, अच्छा है वो आदमी मान गया, वरना तेरी तो मुसीबत हो जाती। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। अरे उसे क्या, हम सबको तपलीक हो जाती भाई। पोपट तो पोपट ही अच्छा है, बकरा क्यों बना? अरे पोपटलाल, तुम पाकिट जिधर रखते हो उधर चेक करना चाहिए।
अभी मैं पैकेट पैंट के पीछे वाले जेब में रखता हूँ, तो ऐसे चेक। क्या हुआ अश्विना? अरे मेरा जिधर रखते हो उधर चेक करो। अरे मैं उधर ही चेक कर रहा हूँ, उधर नहीं है पैकेट। क्या मेरा पैकेट चोरी हो गया है? कोई लगता है भीड़ का फायदा उठा के किसी ने अपना हाथ साफ कर लिया है। पापड़ लाल, तुम बिना वजह चिल्लाने लगे, इसीलिए मेरा पैकेट चोरी हो गया। नहीं भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सोनी का आइडिया ही फालतू है। सोनी, फालतू आइडिया देना कैंसिल कर। वे? अरे गलती तुम्हारी है पोपट लाल, जेबे चेक ही नहीं और चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ। दादा जाने दो, ऐसे भी मेरे पर्स में 2000 रुपए थे और बबीता का फोटो। बबीता जी का फोटो? बबीता जी का फोटो पर्स में रखा था? अय्यर भाई, मैंने अपने दादाजी का आखिरी फोटो पर्स में रखा था और मेरा पर्स चोरी हो गया, तो उसके ऊपर से तो कुछ सीखना चाहिए। पैकेट मार का क्या, वो तो पैकेट चोरी करके पैसा लेके बाकी सारी चीजें फेंक देता है। उसका क्या पता ये फोटो अपने लिए कितना कीमती है। मैं अपने दादाजी के फोटो की बात कर रहा हूँ। जेठा लाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। बबीता का फोटो आज सुबह ही मैंने पर्स में से निकाल कर बाहर रख दिया था। चलो अच्छा हुआ, चलो अभी पुलिस कंप्लेंट करते। नहीं नहीं, वो मैंने और जेठा लाल ने कल कर दी पुलिस रिपोर्ट, FIR करा दी। लेकिन मेरा पर्स तो अभी चोरी हुआ। अरे भाई, तुम्हारे पर्स के लिए पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई फायदा नहीं है, पुलिस के पास बड़े बड़े केस आते हैं, छोटे मोटे पॉकेट मार को पकड़ने का टाइम ही नहीं है उनके पास। बराबर ना मेहता सर? हाँ बोलते हैं। फोटो मिला? अरे नहीं मिला भाई, तू और ऐसे बार बार फोन करके मुझे टेंशन मत दे। सॉरी। क्या हुआ अंजलि बाबी? दादाजी का फोटो मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता बताइए ना प्लीज। दया भाभी, मैं क्या, ये रास्ता तो कोई ज्योतिषी भी अब नहीं बता सकता कि दादाजी की फोटो कहाँ है। ज्योतिषी भाभी, हमें ज्योतिषी ही रास्ता दिखाएंगे। मतलब वनवीर बाबा? चलिए वनवीर बाबा के पास। चलिए ना, चलिए चलिए। आइए आइए, बैठे बैठे। दया जी, आज किसकी शादी के लिए आई हैं आप? नहीं नहीं, शादी नहीं, वो मेरे दादा ससुर जी है ना, उनका फोटो। वो मिलेगी कि नहीं? अरे हम आपको पूछने आए हैं बाबा, और आप हमें ही पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, यही प्रश्न है ना? हाँ हाँ, यही प्रश्न है। नाम? जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा। जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा। कब हुआ था ये? बाबा वो कई सुबह 10 से 11 बजे के बीच में पर्स चोरी हो गया, उसमें फोटो था। 10 से 11 के बीच में? कुंडली बना के देख लेता हूँ। राहु शनि की युति है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है। बाबा आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, बस आप जल्दी उपाय बता दीजिए। बाबा आप कहें तो हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गंगा में डुबकी मारने के लिए ले जाओ। नहीं नहीं, इस वक्त आप 3 रास्ते पे नारियल रख के आ जाए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। हरिओम। लेकिन बाबा नारियल जनरली 4 रास्ते पर रखते हैं, 3 रास्ते क्यों? जैसी समस्या वैसा उपाय। हरिओम। 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 चलिए दया भाभी, ढूंढना पड़ेगा। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है नारियल कहाँ मिलता है। नारियल नहीं दया भाभी, नारियल रखने के लिए 3 रास्ते। चलिए। टप्पू, तुमने हमसा को यहाँ पे क्यों बुलाया? नाश्ता करने के लिए, और क्या? अरे नहीं यार, वो यू की
इसीलिए। टप्पू ये तो बहुत मुश्किल काम है। पिंकू टप्पू कभी आसान काम हाथ में नहीं लेता। आज रात तक पापा का काम हो जाएगा। दया भाभी क्या लगता है काम हो जाएगा? हाँ, काम हो ही जाएगा। वनवीर बाबा ने कहा ना, मतलब काम हो ही जाएगा। चलिए अरे वाह नारियल याद आ गया, बीवी ने नारियल लाने के लिए भी कहा था, ले लेता हूँ, अच्छा लगता है। ओ बहन जी वो देखो आपका नारियल लेके भाग रहा है। अरे क्या नसीब है अंजलि बाबी, फोटो चोरी हो गया उसके लिए नारियल रखा तो नारियल भी चोरी हो गया। वही तो। अब क्या करें? क्या करें? आप एक काम कीजिए ना, आप वनवीर बाबा को फोन करके पूछिए ना कि हम क्या करें। हाँ, हाँ? एक मिनट। हाँ हेलो वनवीर बाबा, मैं दया बोल रही हूँ। बोलो बेटा। बाबा वो मैंने तीन रास्ते पे नारियल रखा था लेकिन एक चोर भाई नारियल चोरी करके भाग गए। घोर संकट, अब फोटो मिलना जरा मुश्किल लग रहा है, पर तू माता जी की प्रार्थना चालू रखना, सब अच्छा हो जाएगा। हरिओम। थैंक यू। क्या हुआ, क्या कहा? बाबा ने कहा कि माता जी की प्रार्थना चालू रखो। माता जी फोटो कब मिलेगा? चलिए दया भाभी। क्या करें, अभी जो होना था सो हो गया। हाँ सुंदर बोल। जीना जी फोटो मिल गई है। मिल गई फोटो। थैंक यू सुंदर। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। तेरा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। थैंक यू भाई। बस फटाफट भी कंप्यूटर में फोटो मुझे भेज दे। जीजा जी मैं स्कैन करके भेजता हूँ नटू काका के ईमेल आईडी पे। आप नटू काका को साइबर कैफे में भेज दीजिए। ठीक है ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सुंदर, थैंक यू। अरे नटू काका मिल गई, दादाजी की फोटो मिल गई। नटू काका फटाफट साइबा कॉफी में जाके लेके आइए। साइबा कॉफी? हाँ वो सुंदर का फोन था, वो आपके वाईडी में भेजा है। वाईडी? अच्छा अच्छा, आईडी, ईमेल आईडी। और साइबा कॉफी नहीं, साइबर कैफे। आप समझ गए ना, जल्दी लेकर आइए, जाइए जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। आज वगड़ावो वगड़ावो रूडा शरणायु ने ढोल। आज वगड़ावो वगड़ावो रूडा शरणायु ने ढोल। और दादाजी की फोटो मिल गई आनंद रे लोल। दादाजी की फोटो मिल गई आनंद रे लोल। आज वगड़ावो वगड़ावो रूडा शरणायु ने ढोल। आज वगड़ावो वगड़ावो रूडा शरणायु ने ढोल। फोटो ये कैसी फोटो है? अरे इतने सारे लोग इसमें, मेरा दादाजी कहाँ? ये जो साइड में खड़े हैं ना वो आपके दादाजी है। आपको कैसे पता? मेल में लिखा है योर दादाजी राइट साइड ऑन द कॉर्नर। राइट कॉर्नर? अरे ये तो खाली आंखें और सर दिख रहा है, ऐसा कैसे पता? भगवान मुझे मालूम ही था ये सुंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा।
आप बोलिए जीजा जी। अरे भाई सुंदर, ये कैसी फोटो भेजी है तूने? ये फोटो देख के मैं कैसे मान लू कि मेरे दादाजी की फोटो है? अरे जीजा जी, ये तस्वीर 100% आपके दादाजी की ही है। मैंने मनोहर काका से सौगंदनामा करवा कर ये तस्वीर ली है। क्या मतलब? क्या मनोहर काका ने अपनी खुद की और अपने पूरे परिवार की कसम खाकर कहा है कि ये तस्वीर जयंती दादाजी की ही है। देखो जीजा जी, अपना कोई काम कच्चा नहीं होता। अरे लेकिन इसमें तो खाली सर और आंखें दिख रही है, उससे मैं कैसे मान लू कि मेरा दादाजी है? देखो माय डियर जीजा जी, पूरा बचाओ दर्शन करके एक तस्वीर मिली है। बोलो मैं क्या करूं, अभी आ जाऊं मुंबई? अरे मुंबई का क्या करेगा भाई तू, जा वहां से सीधा अहमदाबाद ही जा भाई। थैंक यू। ये सुंदर भी खोटा सिक्का निकला, पूरा बचाव का खर्चा माथे पड़ गया। ऊपर से बोल रहा था मुझे मकाओ भेजो, अरे क्या खाक मकाओ भेजो। क्या तकदीर पाई है मैंने, मुंह तक निवाला आके छिन जाता है। तो दया को शांति नहीं है। अरे भाई बार बार फोन करने से फोटो थोड़ी मिल जाएगी, तो क्या उग्रानी वाले की तरह पीछे पड़ गई है ये जेठिया? क्या बोल रहा है तू? पप्पू जी, आप आपने बताया नहीं आप बोल रहे हैं। क्या बताया नहीं, फोन करते ही टूट पड़ा। बहू के साथ रोज के ऐसे ही बात करता है? नहीं नहीं। और ये उग्रानी, उग्रानी क्या है, कौन सी उग्रानी? नहीं वो दया घर के लिए नींबू मिर्ची मंगाती है ना बार बार कभी कभी, इसलिए वो। अच्छा सुन, एक मिनट। आइए आइए भाई साहब आइए, दो तीन ग्राहक एक साथ में आ गए हैं तो उनको निपटा के आपको फोन करता हूँ। ओके थैंक यू। ओके बापू जी ने जरूर फोटो के लिए फोन किया होगा। क्या जवाब दूं बापू जी को, कहां से लाऊं फोटो? सेठ जी, सेठ जी। हाँ कान खुले सुन रहा हूँ, बोलो। इस मुसीबत से आपको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? आपका आज्ञाकारी, विनम्र, बुद्धि चातुर्य से भरपूर आप बागा। अरे सेठ जी मेरी बात मानिए न, मामा से कान्हैया मामा क्या पूरा। बुला लू बागा को? बुला ही लेता हूँ। हेलो बागा, काका बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी तुझे बहुत याद कर रहे हैं, जल्दी दुकान पे आ जा। क्या कहा है तू? वापी? हाँ तो वापी से जल्दी प्राइवेट टैक्सी करके तू जल्दी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जा। नहीं, नहीं। एक मिनट। टैक्सी नहीं उसको बोला, ट्रेन में आए फटाफट पहुंचेगा। अरे पैसे की तू बिल्कुल चिंता मत कर बागा, सेठ जी पूरे पैसे दे देंगे। प्राइवेट टैक्सी करके जल्दी दुकान पे आ जा, कम इमीडिएटली, ओवर एंड आउट। सेठ जी बागा आ रहा है, बागा कमिंग सून। अरे भाई गाड़ी थोड़ा जल्दी चला, और अगर तू नहीं चला सकता तो मुझे दे गाड़ी, मैं चलाता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप यही सोच रहे हो ना कि मैं ये गाड़ी कैसे चला सकता हूँ। लेकिन भाई मेरे पास तो ट्रक चलाने का भी लाइसेंस है, दिखाऊं? अरे कहाँ है बागा? He must be on the way. I mean, रास्ते में होगा, आता ही होगा। क्या पहुंचता ही होगा, हाईवे पर सूरत तक कितना काम चल रहा है मालूम है आपको? इसलिए मैं बोल रहा था भाई, ट्रेन में आता तो अब तक पहुंच गया होता। सॉरी आई डिडंट नो हाईवे वर्क। ओहो सेठ जी को फोन कर देता हूँ। ले बागा का फोन है। अरे भाई कहाँ है तू? हाँ सेठ जी, मैं बस मुंबई के नजदीक पहुँचने ही वाला हूँ। हाँ तो अभी क्या करना है? सेठ जी सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि समंदर की लहरें और बागा दोनों वापस आते ही हैं। आ भाई आ, तूने वो कहावत सुनी है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है? वो तो जैसी जिसकी सोच।
अभी भाई तू एक बात बता, तू मेरे दादाजी का फोटो दिलवा सकता है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सेठ जी कि आपका पैकेट कौन से एरिया में मारा गया था? वो अपना पाउडर गली के नाके पे। पाउडर गली के नाके पे? तो सेठ जी सबसे पहले हमें गजिया भाई से मिलना पड़ेगा। अच्छा, पाउडर गली के नाके के पास जो चाय वाला है ना, वहाँ आके मुझसे मिलिए, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी अभी पहुँचता हूँ। ठीक है सेठ जी। छोटू काका मैं जा रहा हूँ, अभी शायद वापस नहीं आऊंगा। हमेशा के लिए? अरे आज क्या लिए? सॉरी, पता करो। और सेठ जी आज मैं आपको ऑल द बेस्ट नहीं कहूंगा, पता है क्यों? क्यों? जब क्रिस पे धोनी, युवराज और सचिन हो फिर हारने का डर ही नहीं होता। वैसे ही जब बाघा आपके साथ है तो आपका काम समझो हो गया सेठ जी। प्रस्थान विजय भव। भाई थोड़ा जल्दी चलाओ, लगता है मुझे खुद के लिए कुछ ही दिनों में गाड़ी ले लेनी पड़ेगी, इससे भी बड़ी लूंगा। चलने भाई झट कर। पाटिल शिंदे सालों के। जी सर। सुना है पाउडर गली से पॉकेट मार के वारदात की रिपोर्ट बहुत आ रही है, इसके लिए आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? सर हमारी खबरी ने खबर दी कि आज रात पूरी गैंग अड्डे पर ही जमने वाली है। अगर खबर सच्ची है तो अड्डे पर रेड मारो। जी सर। और येलो फाइल मेरे कैबिन में भेजो। ये तो कहाँ लेकर जा रहा है? अरे सेठ जी आप चलिए तो सही। अरे कब से चल ही तो रहा हूँ। ये क्या बस आ गए? आइए आइए सेठ जी, आइए आइए। अरे आओ आओ बागा भाई, कैसे आना हुआ? बस गजिया भाई है। एक मिनट रुकिए, थोड़े बिजी है, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। ये लोग तो तुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह नहीं, बहुत अच्छी तरह। पहले तू भी पॉकेट मार था? सेठ जी सॉरी सॉरी, बुरा लगा? नहीं सेठ जी, उसमें बुरा क्या लगेगा, वो तो जैसी जिसकी सोच। वैसे कैसे जानते हैं लोग? वो क्या है सेठ जी, इनके जो बॉस है ना गजिया भाई, वो एक दिन मेरा पॉकेट मारने गए और उसी वक्त पुलिस ने उसे देखा और पकड़ लिया, तभी मैंने उन्हें पुलिस से बचाया था। मैंने पुलिस से कहा नहीं नहीं ये तो मेरे दोस्त है, इन्हें तो आदत है ऐसी मस्ती करने की, तब से वो मुझे बहुत मानते हैं। वो तेरा पॉकेट मार रहा था तो भी तूने उसे बचाया क्यों? मुझे उस पर दया आई कि खामखा उसे पुलिस की मार पड़ेगी, क्योंकि मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली था। अरे बागा। अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद आया, बोल क्या काम है? ये मेरे सेठ जी है, कल इनका पॉकेट पाउडर गली के नाके से चोरी हो गया। कब? कल सुबह रिक्शे में बैठते समय। अरे आपको कैसे पता? अरे हमारे चमन का यही स्टाइल है। चमन? चलो हाँ, तो प्लीज वो चमन को बोलो पॉकेट मुझे दे दे, उसमें मेरा दादाजी का फोटो है प्लीज। सेठ आज चमन नहीं आया। क्यों? आज उसका वीकली ऑफ है, कल आना। नहीं कल तो मैं खुद फोटो फ्रेम बन जाऊंगा भाई। देखे वो पर्स में का पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो और पैसा मैं देता हूँ, लेकिन उसमें जो मेरे दादाजी की फोटो है ना वो मुझे चाहिए प्लीज। बागा प्लीज जरा समझा ना भाई। देखिए गजिया भाई। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, एक मिनट एक मिनट। ए बैग ले गया, दोनों बैग ले गया। हाँ देखो सेठ, ये दो थैली है, एक में रैगजीन का पर्स है, दूसरे में चमड़े का पर्स, तुम्हारा कौन सा है? रैगजीन चमड़ा तो मालूम नहीं, पर्स है। हाँ ठीक है देख लो देख। और बागा क्या हालचाल तेरे? बस आप बोलो गजिया भाई। बहुत दिनों के बाद आया। बहुत दिनों के बाद मौका ही नहीं मिलता आने का। भाई 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 पुलिस आई, भाई पुलिस आई। रिश अरे भागो। बागा भाई अभी अभी तो मैं भाग रहा हूँ, फुर्सत में आना, कभी शांति से बैठेंगे। सेठ जी चलिए पुलिस आ गई, चलिए। अरे ये क्या सेठ जी, अगर पुलिस आपको इतने सारे पॉकेट के साथ देख लेगी तो आपको पॉकेट मार समझ के जेल में डाल देगी।
भगवान अभी क्या करे बागा? किसका? अरे दादाजी की फोटो का। एक रास्ता है सेठ जी, अगर बचाव के पुलिस स्टेशन में आपके दादाजी पर कोई केस हुआ हो तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो जरूर मिलेगी। अभी एक और भैया शब्द अपने मुंह से निकाला ना बागा, तो सामने वाले पेड़ पे चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दूंगा। बागा। सॉरी सॉरी सेठ जी। भगवान अभी मैं घर कैसे जाऊं? मैं आपको घर तक छोड़ दूं? मैं दुखी हूं, पागल नहीं हूं भाई। नहीं नहीं, अभी आपने बोला ना घर कैसे जाऊं, इसीलिए मैंने आपको ये ऑफर दिया। थैंक यू। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है, मतलब हो सकता है मुझे पुलिस स्टेशन में पर्स मिल जाए। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, तो तू निकल। हा? कमाल है, मुझे निकल बोर के खुद निकल गए। जैसी जिसकी मंजिल। चल बागा, अब तू क्यों खड़ा है, तू भी निकल। आप, मैं इधर काम करता हूँ। आप? हाँ, फोटो मिला? मैं आपसे वही पूछने हूँ कि मिला मेरा पर्स? उल्टा आप ही मुझे पूछ रहे हैं। नहीं भाई, अगर मिला होता तो हम आपको दे देते ना। हम रख के क्या करेंगे, हम आपके घर पहुँचा देंगे। आपका एड्रेस है हमारे पास, है ना भाई इसका एड्रेस? हाँ साहब है। है, लेकिन कल से तो मेरा एड्रेस बदल जाएगा, क्योंकि कल से पता नहीं बापूजी मुझे घर में रखेंगे या नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं निकलूं? हाँ चल। क्या हुआ, टीवी का आवाज अभी तक कम नहीं हुआ? क्या करूं, कहां जाऊं? बिना फोटो के घर पे भी नहीं जा सकता। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? हा? कुछ नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसे किस्मत लिखी मेरी? यूं नीचे दुनिया में लोग बोलते हैं कि जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उसकी भगवान कभी मदद नहीं करते। भगवान सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो कुछ मेहनत करते हैं। तो दादाजी की फोटो ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाई। उस आदमी के दादाजी का आज 100वां जन्मदिवस है और उसके दादाजी का फोटो नहीं गुम हुआ। उसके दादाजी लाइव गुम गए। अब बता, उसके लाइव दादाजी को ढूंढूं कि तुम्हारे दादाजी का फोटो ढूंढूं? पुलिस कंप्लेंट से क्या मिला? ठेंगा। अपने दिल पे पत्थर रख कर जिंदगी में पहली बार सुंदर से मदद मांगी, उसे बचाओ भेजा। देख सुंदर, आज तक मैंने तुझसे मन की शांति के अलावा कभी कुछ मांगा है नहीं ना, तो इतना एक दे दे प्लीज। मेरा ये एहसान याद रखना। अरे याद रखूंगा भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी कभी फटाफट मेरा गांव बचाओ जाना है। बचाओ? बचाओ का इतना खर्चा करने के बावजूद भी क्या मिला? ठेंगा। पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाई। कोई चोर नहीं हूं। किसी ने मेरा पॉकेट मारा? नहीं नहीं, मेरा पॉकेट मारा वो ये नहीं है। क्या ये नहीं है? उसी गैंग का दूसरा चोर होगा। अरे चेक करो, ढंग से चेक करो। चेक करो, चेक करो, इसकी चेक करो। देखो देखो, चेक करो, चेक करो, बराबर चेक करो, पकड़। ए मिल गया, मिल गया। ये लो बमड़ा, ये मेरा नहीं है। नहीं ये मेरा है। क्या मिला? ठेंगा। वो पॉकेट मार को पकड़ने के लिए बाघा के साथ मैं खुद उनके अड्डे पे गया, लेकिन वहां भी क्या मिला? ठेंगा, 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 ठेंगा। तंग आ गया मैं इस ठेंगो से। आखिर कब तक चलता रहेगा ये ठेंगो का सिलसिला?
प्लीज प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। कहाँ जाना है चाचा, बताइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। जाओ ना, काम करो ना अपना। चाचा होगा तेरा पिताजी। घर से फोन, चलो बापूजी होंगे। हेलो बापूजी, अभी तो घर की चली रही है, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ आपको फोन करता हूँ। ओके। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू, क्या हुआ? पापा, आपने आपके दादाजी की फोटो खो दी ना। तुझे किसने बताया? मम्मी ने। भगवान, ये दया के पेट में कोई बात नहीं टिकती। लेकिन पापा आप टेंशन मत लो, मुझे फोटो मिल गई है। फोटो मिल गई? कहाँ से? आप जल्दी से करा जाए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं आ सकता। तो एक काम कर, तू फोटो लेके मुझे अब्दुल की दुकान पे मिल। अरे अब्दुल भाई की दुकान तक आ सकते हो तो घर पे क्यों नहीं? अरे भाई, घर पे बापूजी है ना। नहीं पापा, दादाजी घर पर नहीं है, वो बाहर गए, आप आ जाइए। ठीक है, तो मैं अभी पहुँचता हूँ। आप आ गए? लगता है दादाजी की फोटो मिल गई है। नहीं नहीं मिली। टप्पू कहाँ है? क्या नहीं, सुंदर ने आपको कोई भी फोटो नहीं भेजी? नहीं नहीं, टप्पू कहाँ? टप्पू? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि सुंदर मेरा जो भी काम करने के लिए जाता है ना, वो हमेशा पूरा करके ही आता है। अरे उसने फोटो भेजी है, लेकिन ये देख, ये भेजी। दादाजी कहाँ है? ये यहाँ पे, ये है दादाजी। इसमें तो उनकी एक आँख ही दिख रही है। वही तो। अरे पापा आप आ गए। हाँ टप्पू, कहाँ है फोटो? दे। आइए मेरे साथ। आइए पापा, ये देखिए पापा। पर दादाजी ऐसे ही दिखते थे ना? वाह बेटा, तूने फोटो तो बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन ये फोटो मैं बापूजी को नहीं दे सकता। हाँ? क्यों? बापूजी ने जो फोटो मुझे दी थी, मुझे वही फोटो लौटानी पड़ेगी ना। ये दूंगा तो चीटिंग हो जाएगी, और मैं बापूजी से झूठ नहीं बोल सकता। क्या करूं? अब मैं क्या करूं दया? पापा आप रो रहे हो, दादाजी की डांट से डर लग रहा है? डांट तो बेटा मैं हमेशा की तरह खा लूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। दादाजी की एक ही फोटो थी और वो मुझसे खो गई। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए। देखिए मेरी माँ कहती है कि पछतावे के आंसू में गंगा जल जितनी पवित्रता होती है, उसमें सारी गलतियां धुल जाती है। और पॉकेट मार ने आपका पर्स चुराया, उसमें आपकी क्या गलती है? हाँ पापा, बस बापूजी को अभी मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। हाँ? आप कभी आए? ये जेठिया, तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे मैं अभी गांव से आ रहा हूँ। बापूजी, बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। बापूजी इसमें टप्पू के पापा की कोई गलती नहीं है। अरे बहू, पहले गलती का पता तो चलने दे, फिर माफी के बारे में सोचूंगा। बापूजी मैं लापरवाह हूँ, मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। सीधे सीधे बता बात क्या है। बापूजी वो दादाजी की फोटो जो आपने मुझे दी थी, वो
वो मुझसे खो गई है। कैसे? सुंदर ने जो फोटो भेजा है वो कहाँ है? ये फोटो इधर आ। जेठिया मेरे गले लग जा। अरे आ गले लग जा। जेठिया माँ बाप के कहने पे तो बच्चे उनकी बात मान ही लेते हैं, पर तूने तो बिना कहे ही मेरे मन की बात जान ली है। फोटो के लिए अपनी जान लगा दी, फिर भी फोटो ढूंढ तो नहीं पाए ना बापूजी। मुझ जैसा अभागा कोई नहीं होगा। दादाजी का आखिरी फोटो था, वो भी मैंने खो दिया। जेठा मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता, फिर भी तेरे साथ गड़बड़ हो जाती। ये देख। ये फोटो बाबूजी। मतलब दादाजी आपके पास परदादाजी का दूसरा फोटो था? अरे नहीं टपुड़ा, ये वही फोटो है जो मैंने जेठिया को दी थी। तो ये फोटो आपके पास? तेरा पर्स जिस चोर ने चुराया था वही चोर यहाँ आके मुझे खुद ये फोटो देकर गया है। चोर खुद? हाँ, तेरे पर्स में हमारे घर का एड्रेस था। और ये ले, ये खत भी देकर गया है, पढ़। चाचा जी यही है वो बटवा। और ये बटवा उनमें से किसी एक का है जो आज मुझे ढूंढने के लिए आए थे। चाचा जी जेब काटते वक्त हमें भूल जाते हैं कि जेब से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रिश्तों की सिलाई भी कट जाती है। आज आपके बेटे जब हमें ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाल बिछा रहे थे, तब उनके चेहरे पर उनके दादाजी का आखिरी फोटो घूम जाने का जो मैंने दुख देखा, वही दुख मुझे आज यहाँ खींच लाया है। और चाचा जी मैं कसम खाता हूँ आज के बाद पाकिटमारी का धंधा मैं छोड़ दूंगा। हे जीरे मतलब वो चोर सुधर गया? हाँ जेठिया, बापूजी का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। और ये देख हैं? बापूजी ये फोटो मैं करवा के लाया हूँ। वाह भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और जेठा जब वो चोर मुझे वो फोटो देकर गया तब मुझे सब समझ में आया कि तू कल रात को देर से क्यों आया था, आज सुबह तू जल्दी क्यों चला गया, और बहू सुबह क्यों बार बार चाय बनाने के लिए कह रही थी। सॉरी बापूजी। लेकिन बापूजी आपको ये फोटो मिल गई थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ये बताने के लिए तो मैंने तुझे दुकान में फोन किया था, मगर बापूजी अभी मुझे घर की बहुत है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ऐसा बोल के तूने फोन रख दिया और बाद में तूने फोन किया भी नहीं वापस मुझे। लेकिन बापूजी आपने फिर दोबारा फोन क्यों नहीं किया? हाँ वो मैंने जानबूझ के तुझे वापस फोन नहीं किया, क्योंकि मैं तुझे वापस फोन करके अगर ये सब बता देता तो मुझे पता कैसे चलता है कि ये मेरा व्यापारी बेटा सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि अपने परिवार को चाहने वाला एक अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता तो है ही,
पर साथ में एक अच्छा पोता भी है। थैंक यू बापूजी। लेकिन ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है बापूजी? कांख मा छोकरो ना गम मा गोता गोत। मतलब बाबा? मतलब वो चीज हमारे आसपास ही होती है लेकिन हम उसको पूरे गांव में ढूंढते हैं। जेठा, जो कुछ भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, और ये जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा तो फायदा ही हुआ ना। फायदा कैसे बाबूजी? ये देख, ये फोटो को ध्यान से देख। अरे इसमें तेरे मामा मामी भाई फुआ काका काकी हैं, मासी मासा सब है। तो ले आओ बाबूजी, ये तो मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। देखा, मेरी सुंदर वीरा की बात ही निराली है। वो जो भी काम करता है कमाल का करता है। और दादाजी, मैंने भी कंप्यूटर में परदादाजी के सेम टू सेम फोटो बना दी। ए, अरे वाह टपड़ा, देखा जेठा, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ ना। जी जी बापूजी। हाँ बापूजी, मेरी माँ भी कहती है कि अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। बापूजी मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहा है? वो अपने गोकुलधाम के दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया तो उनको थैंक यू बोल के आता हूँ बापूजी। रोशन, आज ही सूट है बाबा। अभी तो हम लोगों ने डिनर किया है और इतनी जल्दी सो जाएंगे। आज तुझे टीवी पे वो धर्मेंद्र पाजी की फिल्म नहीं देखनी है क्या? ओए सोनिए, और धर्मेंद्र पाजी जैसे मैंने आज गिराज पे खूब मेहनत की है। तो क्या ना सोनिए, आज मैं बहुत थक गया और कल सवेरे फिर से गिराज पे जल्दी जाना है यार, इसलिए आज जल्दी सो जाते हैं। चल कोई बात नहीं। अरे ओ सोडी, रोशन सिंह सोडी और रॉयल कार्बन पे मैं छोटा मनी। ए रोशन, तू भी टकदन घेलो छे घेलो। जेठा भाई की आवाज है। जेठा भरा दी आवाज है। अरे मेहता साहब, अंजलि लगता है जेठालाल को चाचा जी ने घर से बाहर निकाल दिया। चलो। नहीं तारक, ऐसा नहीं हो सकता। अरे चाचा जी ऐसा कर सकते हैं, वो फोटो इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो जेठालाल ने वो फोटो ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। जल्दी चलो। बबीता जी अय्यर बात। ये गड़ा फैमिली का ड्रामा फिर से चालू हो गया। कम ऑन अय्यर, चलो जाके देखते कि क्या हुआ है। चलो। पपट लाल, अरे भिड़े हाथी भाई। कोमल, कुछ सैंडविचेस ले लो। इस वक्त? मेरे लिए नहीं, जेठा भाई के लिए। वो क्या है ना, चाचा जी ने आज उन्हें खाना नहीं दिया होगा। और अगर दिया होगा तो? तो तुम खा लोगे? अरे नहीं नहीं, घर ले आएंगे वापस। I doubt. अच्छा, तो चलो। चलो। जल्दी जल्दी आइए। क्या हो गया जेठालाल? जेठा जी क्या हुआ? और आप सबको थैंक यू बोलने के लिए मैंने बोला है, वो हमारा मिशन पॉकेट मार फेल नहीं गया। अरे लेकिन हम तो खाली हाथ वापस आए ना। हाँ, और ऊपर से मेरा पर्स चोरी हो गया था। अरे आपका पर्स मिल गया, मेरा पर्स मिल गया, और दादाजी की फोटो भी मिल गई। क्या बात है, दिखा दिखा फोटो दिखा। हाँ मैं दिखाता हूँ, देखा दादाजी। दादाजी जेठालाल, तुम्हारी पर्स में इतना बड़ा फोटो था? अय्यर। बबीता जी ये क्या? अरे भाई पर्स में छोटी फोटो ही थी, वो तो बापूजी अभी छोटी फोटो को ले जाके बड़ी फोटो करवा के लेकर रहे। अरे वो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आखिर पर्स वापस मिला कैसे? अरे मेहता साहब, वो पॉकेट मार खुद घर पे आके देखे गए। बोलो वो जेठा परा, वो पॉकेट मार तुम्हारा दोस्त निकला क्या? नहीं नहीं। ओ एक मिनट, अगर वो दोस्त निकला तो उसने तुम्हारा पॉकेट क्यों मारा? ओ मजाक चल रहा है क्या? चलो गपचुप बेसनी बाबा, जेठा भाई ने बोलवा तो दे। ओए जेठा बरा, बोलवा। वो हुआ यूं कि हम लोग सुबह पॉकेट मार को पकड़ने के लिए गए थे ना, तो वहाँ वो पॉकेट मार हाजिर था और उसने हमारी बातें सुनी। समझौते मतलब मेरी व्यथा सुन के उसका दिल पिघल गया
और वो बापूजी को आके दोनों पॉकेट दे के गए। ओह माय गॉड, मतलब चंपक चाचा के हाथों तुम बच गए। अरे भाई मैं बच गया, वो बात छोड़ो, वो पॉकेट मारने अच्छा पॉकेट मारना छोड़ दिया। क्या बात है, निवल चमत्कार है। चमत्कार मंजे माला स्वतला ये बात गले के नीचे उतरता नहीं है। बोलो जेठालाल, जिस फोटो के लिए हम लोग इतनी चिंता कर रहे थे वो घर बैठे वापस आ गई। ये हमारे पुरखों के किए गए पुण्य कर्मों का प्रताप है। बिल्कुल सही बात है। और जेठा ब्रा, और कल जयंती दादा की सेंटिनरी जयंती कैसे मना रहे हैं? सोनी भाई, कल हम सुबह सुबह पूजा पाठ करके गौशाला जाने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। संस्कार कहते हैं इसे, संस्कार। क्या है कि हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए ना, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। और दादा भाभी, एक बात का अफसोस है, कल संडे होता तो हम लोग भी आ जाते, अब हम नहीं आ पाएंगे। आया बापू जी, चलो चलो, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बबीता जी, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट जेठा जी, गुड नाइट, गुड नाइट जेठालाल, हाँ गुड नाइट भाई, गुड नाइट। तो माँ को बोलो ये पुलिस स्टेशन नहीं है कि इसमें रिकॉर्ड के तौर पे पॉकेट नंबर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा जाता है। ओ बाबा, माँ अपने वाले पॉकेट नंबर से बात करना चाहती है। क्या कुछ भी नाम रखती है माँ आजकल मेरा। वो तो माँ है। माँ। अरे जेठिया। आया बाबूजी। अच्छा बस सुना, सुंदर वीरा को कहना कि सबस बहुत ही अच्छा काम किया है उसने, जो फोटो भेजी है ना उसमें हमारे सभी सगे संबंधी मिल गए हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अरे जेठिया, कितनी देर, क्या कर रहा था? मैं तो कब से तैयार हूँ बापू जी। ये दया कब से अपनी माँ के साथ फोन में टाइम पास कर रही थी। वो बापू जी, दादाजी की फोटो के लिए माँ बहुत चिंता कर रही थी, तो अभी फोटो मिल गई है तो समाचार तो देने ही चाहिए ना। अच्छा किया। और भाई, तूने सुंदर का आभार माना कि नहीं? नहीं बापू जी। मैं इससे फोन लेकर सुंदर के साथ बात करने ही वाला था, इतने में आपने बुला लिया बापू जी। मतलब मेरी गलती? नहीं नहीं, ये वो सब हो जाएगा बाद में। मैं स्पेशल सुंदर को स्पेशल फोन करके आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, टप्पू दया सबकी तरफ, दादाजी की तरफ से, सबकी तरफ से उसका आभार मान लूंगा बापू जी। भूलना मत, मैं याद दिला दूंगी। आओ प्रार्थना करते। बापूजी, आपने घर का व्यवहार संभालते हुए भी हमेशा सबकी मदद की है, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी हमेशा जीवन में सबको मदद रूप हो सके। चलो अभी गौशाला चलते। चल चल। दादाजी, गाय को चारा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि बेटा, जीव दया और अहिंसा हमारे धर्म की बुनियाद है। ये पकड़ टपड़ा। ये लो भाई, ये पैसे ले लो, और ये जरा आपके पास रखना, मैं बाद में ले लूंगा। ले टपड़ा। दादाजी, ये लड्डू प्रसाद के लिए? नहीं बेटा, ये गाय माता को खिलाने के लिए है। ये गेहूं का भूसा, गुड़ और आटे से बनता है, गाय माता को ये बहुत पसंद है। ले लिया बापूजी चारा। हाँ। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? वो बापूजी गौशाला में वो 21,000 का चेक देना था ना। अरे हाँ, अच्छा किया।
चलो अभी चला खेलने ले 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 ले